आप अगर वैसी कार क्रैश किसी मरीज की तशखीस के बगैर मुतबक फोन कॉल को नरदर व्यापक शब्दाउश माला नमरा अहमद याहूरी एक टूटा हुआ दिल बस इतनी ही देती है अहमियत बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नजाकत भरी है हमारे अंदर का ये सब चीज में बस एक पल में बदल डालती है इस हकीकत को कि हम कौन हैं। तारीफ थी या पंजाबी में शहर था इस्लामाबाद का और वक्त हमारी कहानी एक बेमुतवक्के फोन कॉल से शुरू होती है जो इस सुबह के जमाल को मौसूल हुई थी। क्या तुम दिनों हर बेरोजगार और नाकाम इंटरलेबर नियर की तरह दिन चढ़े तक सोया करता था और दो खासे फजर तक काम की तलाश में लैपटॉप के सामने बैठा करता था। उस वक्त भी वो गहरी नींद में था जब घंटी बजी। इसने सोए हुए दिमाग के साथ फोन कान से लगाया। नंबर घर शनासा था और आवाज खुश। कोई अधेड़ उम्र मर्द था जो उसे बता रहा था कि उसका वास जो हाल ही में बर्तानिया से आए है इसे मिलना चाहता है। उसके पास कैफ के लिए एक जॉब ऑफर है। कौन है आपके पास वो? जमाई रोकते हुए उठ बैठा। आंखें मुस्लिम वक्त देखा मगर मैं किसी माहिर फरीद को नहीं जानता। जान जाओगे अधेड़ उम्र आदमी ने कॉल काट दी। करीबन डेढ़ घंटे बाद कैफ और में सवारी लोकेशन की तरफ बाहर रहा था जो इस नामालूम शख्स ने भेजी थी। रास्ते में उसने गूगल का सहारा लेकर माहिर फरीद को चला चाहा। वैसे तो बहुत से लोग थे इस्लाम के लेकिन आंगलन से ताल्लुक रखने वाला माहिर फरीद से एक ही मिला। इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। बस एक फेसबुक ग्रुप पे इसका तस्किरा नजर आया जो कि इसकी काउंटी के चंद रहायशियों के लिंक्स की शक्ल में था। कैफ भी सपड़े गया। मालूम होता था कि माहिर फरीद किसी मारूफ कारोबारी शख्सियत का बेटा था और इसको कोई ज़हनी अर्ज़ा लाहक था। चंद बरस बबलास के अपने माँ बाप ने उसे ज़हनी अमराज के एक इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवा दिया था। वो एक मुद्दत वहाँ ज़ेर इलाज रहा था। यहाँ तक पढ़ के कैफ का दिल अजीब सा होने लगा लेकिन अगली मालूमा से ज्यादा चौंका देने वाली थी। किसी ने गोसिप के अंदाज में लिखा था कि जिन दिनों माहिर जेर इलाज था इसके बाप ने माहिर को अपनी जायदाद से बेदखला करने का ऐलान कर दिया था और वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम छोड़ना चाहते थे। अभी वसीयत को कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी जब एक कार क्रैश में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद माहिर की माँ और बहन मुल्क छोड़ के चले गए और न जाने कैसे लेकिन माहिर फरीद के डॉक्टर ने उसे क्लियर करार देकर डिस्चार्ज कर दिया। यूं वो वापस अपने घर आ गया और यकीन अब वो अपने माँ बाप के तमाम असासों का फलिफ मालिक था। ये दो बरस पुरानी थी कैफ ने बस यक्सरी करना चाहा लेकिन इसके अलावा इंटरनेट पर उस शख्स का कोई नाम व निशान न था। एक लम्हे के लिए कैफ जमाल का दिल चाहा कि वापस पलट जाए लेकिन क्या मालूम ये कोई और माहिर फरीद हो। एक दफा मिलने में क्या हर्ज है। चंद मिनट बाद वो रिफत में सवार था जवा से चौथे फ्लोर की तरफ लेकर जा रही थी। शायद मुझे बेहतर हुलिये में आना चाहिए था। लिफ्ट के कदावर आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने सोचा कैफ लिफ एक खुश शक्ल नौजवान था। अलबत्ता इसका हुलिया भी परवा सा था। माथे पे भरी हाल बड़ी हुई शेर जनज के नीचे सफेद जोगरस जोटियाले हो चुके थे। पूरी आसतीन की चेक वाली शर्ट जिसके बटन खुले थे और नीचे पहने सफेद शर्ट मिलती थी। इसने बालों में हाथ फेर के इन्हें दुरुस्त कर ना चाहा लेकिन कोई फायदा ना था। चौथे फकूर पे वो लिफट से कातिल सामने मुरम्मर में राहदारी थी। फासले फासले पर कमरों के दरवाजे थे। कैफ ने गर्दन उठा के हुदू की शान व शुकत को देखा। यहाँ रहायश पजीर इंसान को उस से क्या काम हो सकता था। कैफ जमाल एक नाकाम एंटरप्रेन्योर होने के अलावा एक एनट फोटोग्राफर भी था जिसको लोग अमूमा इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए हायर किया करते थे। इस जैसे इस शहर में सैकड़ों दूसरे
फोटोग्राफरस भी थे। फिर माहर फरीद ने उसे ही क्यों बुलाया, कमरे का दरवाजा एक अधेड़ शख्स ने खोला। वो बादामी रंग के सूट में मलबूस था और इसके बाल इतने सफेद थे कि सिल्वर लगते थे। उसने सपाट तासुरात के साथ सर से पैर तक कैफ का जायजा लिया, फिर खुश आमदीद कहा कि रास्ता छोड़ दिया। वो आवाज से पहचान गया, वो ही शख्स था जिसने उसे कॉल की थी। माहर फरीद का रेंजर कैफ तेज होती धड़कन के साथ अंदर दाखिल हुआ। साइड काफी वसी और शानदार था। हमारे में लेवेनर रावर मोजिया की खुशबू फैली थी। दीवार की खटर के पर्दे हटे हुए थे और बाहर पहली रोशन सुबह दिखाई देती थी। खिड़की के आगे रखे बड़े सोफे पर एक आदमी टनक पे टनक जमाए बैठा था। वो मुस्कुराते हुए कैफ को नजर आते देख रहा था। गिरे पीठ और सफेद शर्ट पे चारकोल वेस्ट पहने वो एक बाजू सोफे की पशक पे फैलाए हुए था। पीछे से आती रोशनी में इसके कफ नकस चमक रहे थे। वो उसकी तवक्को से ज्यादा जवान और विजय था। करीम शेव चेहरा, जैसे सीख बाल और पुरकशिश आंखें, ना चाहते हुए भी कैफ का दिल मरुभूमि से भर गया। उसने जिस तरह के शख्स का खाका जहन में बनाया था, मैं दिए से कहीं मुख्तलिफ और शानदार था। आओ कैफ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बेतकल्फी से मुस्कुरा के माहिर फरीद ने खाली सोफे की तरफ इशारा किया। टनक पे टांग जमा के बैठने से माहिर का एक बूट फिजा में था। इस बूट की सियाह चमकीली सतह पर कैफ का अक्स नजर आ रहा। तीना माहिर फरीद है, वो संजीदगी से कहते हुए बैठा। दोनों के दरमियान शीशे की मेज थी जिसपे लेदर कॉर्ड वाली बुरी डायरी रखी थी। कुछ था इस कमरे की फिजा में जवासाब पर सवार होता था। लेवेनर रे और मुजीसे की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहिद आवाज माहिर फरीद के नाखूनों से आ रही थी, जिन्हें वो सोफे के हद से आलूदा रगड़ रहा था। कैफ ने फैसला कराया था कि वो उस शख्स की इमारतों रूहिया बहुत के रूप में नहीं आएगा। खनखार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? वाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो इसकी आंखों में था तक के पूछने लगा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और लोग मुझे फोटोग्राफी के लिए ही बुलाते हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफे की पशक से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। नजर में हनुज उसकी आंखों पे भी थी, सिर्फ फोटोग्राफर और नहीं। उसने दाएं से बाईं गर्दन हलाई, तो एक इंटरियर भी वो ना काम कहा कि मैंने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चूंक के उसे देखा। फिर यंजर को ये बात गैर मुतवक्के थी। उसके अबरू कटे हुए, आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज्यादा नहीं जानता, माहिर पीछे को हवा और कंधे भी परवही से उचक गए। नाखून फिर से सोफे के हद सर करने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा आखिरी कारोबार ना सिर्फ ना काम हुआ है, बल्कि उसने तुम्हें बहुत से कर्जों में डुबो दिया है। अब हाल यह है, तुम्हारा कैफ के जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे, वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। इनमें से एक तुम्हारी बहन का शौहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासिर हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे टिकन पड़ी, जिस्म के सारे आसाब तन से गए। आप लोग मुझसे, उसने बारी बारी उन दोनों को देखा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद उसकी आंखों में घातक के मुस्कुराया। इसे इंटरनेट पर पड़ी बातें याद आईं। क्या किसी साइकोपैथी की आंखें थी? कैसे? वो पूछना चाहता था कि लेकिन उनसे कैसे फिसल गया। क्या वह मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कैफ के अंदर किसी ने सरगोशी की, अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में पंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सका, मजबूरियों ने इसके कदम जमीर कर रखे थे। उसे इस पर इसरार से कैफर सुनी थी, अगर तुम चंद माह तक मेरे ये काम करो तो मैं तुम्हारे सारे फर्जे भी उतरवा दूंगा और
अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो उसको सीट करने में तुम्हारी मददी करूँगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुकी होगी। बार उस शख्स के बारे में मुझे क्या करना होगा माहिर? फरीद के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस बाहर को गारद की। बिलाखिर इसने मेज पर रखी भूरे लीद रुकूल की डायरी उठाई, दो उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी कैफ ने नजर में झुका के देखा, वो एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरे का क्लोजअप, वो मुस्कुरा रही थी, इसकी आंखें सहन थी और भूरे बाल जीन जोड़े में बंधे थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था, ऐसे चेहरे इंसान हर रोज नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफी में गर्दन हलाई। ये तुम्हारी किजनून सफूरा की दोस्त है? ओके, कैफ ने उलझ के उसे देखा। सफूरा इसकी अमीर सेकेंड किजनून थी, महीनों बाद इससे मुलाकात हुआ करती और उसमें भी सफूरा इसको अनटीश होने के लेक्चर्स देती थी। तंग आके उसने सफूरा की फैमिली से मिलना ही दिन तक कोई गार्ड नहीं लगता। पिछले हफ्ते उसने फिर से सफूरा से कोई काबिल भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा है। सफेद बालों वाला मैनेजर इस दौरान बारी बारी उन दोनों को देख रहा था जैसे टेनिस की मैच में गेंद का नजरों से ताकुब कर रहा हो। ओके, कैफ अभी तक समझ में पा रहा था। तुम कैफ, तुम अपनी कजन सफूरा से कहोगे कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें इसके पासीदारन की जाप दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद बरस पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था, तुम्हारे पास तजर्बा भी है और तुम्हें जरूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूर तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे झुकाए, बस इतना सा काम है। आखिर मामला कैफ की समझ में आने लगा। आप चाहते हैं कि मैं सफूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं, इसका इतिमाद हासिल करूं? मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पख्ती गराई, ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते? काम की कीमत पूछते हैं। अबर उठा के सर्द लहजे में तंबी की। चंद लम्हे के लिए सटनग रूम में सन्नाटा छा गया, सारी खुशबुई मर गई। अब सिर्फ एक एहसास या गवाली था। देखे, वो कदरी मैमे लहजे में बोला, मुझे इतना तो बताए कि मुझे उसके पास जा करके क्या करना है। मेरा मकसद क्या होगा? मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, ठीक है मेरे मसले है, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमजा होके मैनेजर को देखा, बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचटका दिए, फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। इस पर आयक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिंद से पढ़े, फिर सफर गए। एक बार, दो हार, इसकी आंखें तजुब से पहली नजर में अठा के तजब्जुब से माहिर को देखा, बदले में आप क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नए काम के लिए नहीं दिया करता, कैफ ने सपाट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पे दर्ज रकम दोबारा पढ़ी, फिर सर झुका दिया। इतना कठोर सीने से लगने लगी, गाफ।